सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर वी ट्रेड क्रिप्टो चैनल। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को भी दबा देना। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो आप चेकआउट भी कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। या हम डेली बेसिस पे आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे यहाँ चार्ट एनालिसिस होता है, मंथली एनालिसिस होता है और वीकली एनालिसिस होता है, और यहाँ पर सीधा हम पोस्ट करते हैं चार्ट्स को। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, इस वीडियो में हम पूरा वीकली अपडेट देखेंगे, ठीक है। और वीकली का फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन रखेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। वीकली में टॉप 5 जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो क्या परफॉर्म कर सकती है, उनका चार्ट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्रिप्टो बबल्स वेबसाइट पे है, तो यहाँ पे हम ऑल ओवर देखते हैं कि मार्केट पिछली वीकली मार्केट में कितना परसेंट मूव हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, सबसे पहले हम BTC की बात करी जाए तो अराउंड 3% का मूव हमने इसमें देखने को मिला। अप ट्रेंड में रही है, बुलिश में रही है मार्केट, ठीक है। इथेरियम की 8.4% बुलिश में रही है मार्केट, ठीक है। इथेरियम कॉइन की हो गई बात ये। तो XRP हमारी बेरिश में रही है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है। -3.1% XRP का जो प्राइस है वो नीचे गिरा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में गया है। और ADA की बात करी जाए तो +7.3% अप है, ठीक है, पिछले वीकली टाइम फ्रेम पे देखे तो। पूरा वीकली में जो हमें डेटा मिला है, एक्सी इन्फिनिटी की देखें तो +10.5% के अबव है, ठीक है। तो ये तो बुलिश में ही है। सोलाना -5.5%, मतलब डाउन है, बिल्कुल बेरिश में ही है, ठीक है। डोज हमारा 0.5% अप है वीकली में। तो दोस्तों, ये तो हो गई हमारी पिछले वीकली टाइम फ्रेम की बात, ठीक है। लेकिन अब हम बात करने वाले अपने फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन जो वीकली में रहने वाला है। तो कुछ हम अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे चलते हैं और कुछ एनालिसिस कर रखा है मैंने कि क्या रहने वाला है आगे मार्केट का सिचुएशन। तो चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे। सो गाइस, ये बिटकॉइन का चार्ट है, टेदर USDT, ठीक है। तो इसमें अभी हमें देखे तो वीकली टाइम फ्रेम पे, तो अभी हमें इसमें बिटकॉइन में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंसोलिडेशन हो रहा है, जो हमारा ये क्या कहते हैं रेजिस्टेंस है वो 22,4467,000 डॉलर के करीब है। तो इसमें अब हम देख सकते हैं जो आने वाली जो हमारी वीकली की इस बार की जो कैंडल बनेगी वो मेरे ख्याल से बेरिश ही रहने वाली है। तो ऑल ओवर मार्केट इस वीकली में हमारी बेरिश रहने वाली है, एज अ चार्ट एनालिसिस देखें तो हम, ठीक है। 75% कह सकता हूँ कि मैं इस बार की जो हमारी मार्केट होगी थोड़ी बेरिश में रहने वाली है, ठीक है। कैंडल बन रही है एक बेरिश वाली, तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो मार्केट आने वाले टाइम की कंसोलिडेट ही होने वाली है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर। तो ये हो गई बिटकॉइन टेदर USDT की बात। तो इथेरियम USDT का चार्ट देखते हैं, तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये भी थोड़ा डाउन रहने वाला है इस वीक में, ठीक है। अराउंड ये अपना रीटेस्ट करने आ सकता है 1437.86 तक इस वीक में, ठीक है। अगर रीटेस्ट दे देता है बहुत अच्छी बात है। रीटेस्ट के बाद हम कह सकते हैं जो अगला हफ्ता जो होगा, हमारा अगला वीक जो होगा उसमें हम कह सकते हैं कि अब मार्केट बुलिश होने वाली है। इथेरियम की बताऊं तो इसमें अभी रीटेस्ट का वेट करो। इस हफ्ते भी मार्केट डाउन ही रहने वाली है, ठीक है। रीटेस्ट करेगी, बेरिश ही रहेगी इस बार मार्केट इथेरियम की भी, ठीक है। बात करी जाए XRP USDT की, तो XRP में भी अभी हमें पूरा वीकली एनालिसिस देखे तो कंसोलिडेट होने को ही मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो XRP में भी हमें अब अच्छा खासा बेरिश ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कम से कम 3 से 4 हफ्ते तो करने ही वाला है कंसोलिडेट, और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो XRP में भी हमें जो मार्केट देखने वाले हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, वो हमें बियर में ही दिखेगी, डाउन ट्रेंड में ही दिखने वाली है ऑल ओवर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी XRP की बात। अब बात करी जाए तो शिबा इनू की, तो शिबा इनू में भी हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है, बट जो इसका रेजिस्टेंस है 0.00001 के करीब, ये अगर इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो और रीटेस्ट आ जाता है तो हमें बुलिश मूव देखने को मिल सकता है शिबा इनू में वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अब इसका क्या है, तो दोस्तों इस हफ्ते भी हमें बेरी देखने वाले हैं शिबा इनू को, ठीक है, शिबा इनू कॉइन को, मतलब ऑल ओवर डाउन ट्रेंड में रहने वाली है शिबा इनू की भी मार्केट, ठीक है। तो ये देख लो 0.00001 के करीब है,
इसका प्राइस और डाउन ट्रेंड में ही रहने वाली है मार्केट इस बार भी, ठीक है। तो शिबा इनू की बात हो गई है, अब करते हैं हम डोज कॉइन की बात। तो दोस्तों डोज कॉइन भी एक कंसोलिडेशन एरिया में ही है अपने, तो इस महीने भी जो डोज कॉइन का जो ये है वो कंसोलिडेट करेगा, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट डाउन ट्रेंड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत वैसे बियर कैंडल बन रखी है, ठीक है। और ये अराउंड इस हफ्ते तक बेसिकली 0.063014 तक भी जा सकती है, इससे नीचे तक की भी जा सकती है। तो डोज कॉइन में भी हमें एक बियर दिखने वाला है, ठीक है, बियर मार्केट दिखने वाली है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ 5 कॉइन्स हो गए, इनका चार्ट एनालिसिस कर दिया है मैंने, आपको बता दिया कि ये 5 के 5 जो कॉइन्स हैं हमारे वीकली में वीकली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में रहेंगे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो एज हमें डाउन ट्रेंड ही दिखने वाले हैं और ओवरऑल देखें तो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही मैं वीकली अपडेट्स डालूंगा, ठीक है, हर मंडे को, जब भी वीक ख़त्म होगा तो हर मंडे को आपको ये भी सीरीज़ देखने को मिलेगी, वीकली अपडेट सीरीज़, और अगर मंथ ख़त्म होगा तो हमें मंथली देखने को भी मिलेगी, ठीक है, मंथली वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगी चैनल पे। तो इस बार तो अब हमारी मार्केट डाउन ट्रेंड ही रहने वाली है इस हफ्ते तक, तो डेली चैनल्स पे तो मैं पोस्ट करूँगा सिग्नल्स वगैरह, तो देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।